उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुजनों के साथ अन्याय हुआ है। आरक्षण को लेकर भाजपा की सरकार बहुजनों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। उनका हक सीधे तौर पर छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति में सामान्य वर्ग का कट ऑफ ओबीसी श्रेणी के कट ऑफ से 10% कम पाया गया। SC ST ओबीसी के साथ भाजपा की सरकार खिलवाड़ कर रही है। जब सामान्य वर्ग के छात्र की कट ऑफ ओबीसी वर्ग के छात्र से कम आई तो इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले को सही करार दे दिया, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्र की कट ऑफ ओबीसी वर्ग से भी कम है। ऐसे में पीठ ने 177 लोगों को जल्द नौकरी देने का आदेश दिया है। पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी दरकिनार कर दिया, जिसमें आयोग को ओबीसी कट ऑफ कम करने का निर्देश दिया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस ललित ने आयोग के अधिकारियों से पूछा, जब सामान्य वर्ग में लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का अनुपात 1:3 यानी एक सीट पर 3 अभ्यर्थी था, तो ओबीसी के लिए एक सीट पर 12 क्यों था? अधिकारियों ने पीठ को बताया कि 2014 में 177 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इसमें सामान्य वर्ग की 113 सीटें जबकि 23 सीटें ओबीसी और बाकी SC ST वर्ग के लिए थी। 150 अंकों की स्क्रीनिंग परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ 99 मार्क्स था, जबकि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 86 मार्क्स था। हालांकि इसके बाद आयोग ने आरक्षित वर्ग का कट ऑफ भी 86 कर दिया था। लेवल प्लेइंग फील्ड को ध्यान में रखते हुए आरक्षित वर्ग का अनुपात 1:12 और सामान्य वर्ग के लिए 1:2 रखा गया था। पीठ ने अधिकारियों से सवाल किया, आखिर आपने किस नियम के तहत एक सीट के लिए 12 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया? इस पर अधिकारियों ने वर्ष 2004 के एक नियम का हवाला दिया। अधिकारियों के पक्ष से संतुष्ट पीठ ने कहा कि इंटरव्यू के लिए सीट से करीब 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाने की परंपरा है, लेकिन आयोग इसमें कम या ज्यादा करने के लिए स्वतंत्र है। पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले को देखते हुए आयोग द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से वैध है। आयोग की ओर से वकील शिरीष कुमार मिश्रा जबकि यूपी सरकार की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए। आयोग ने 2004 के किसी नियम का हवाला देते हुए इस आरक्षण प्रक्रिया को ही सही ठहरा दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश को भी पलट दिया। नए आरक्षण नियमों को ताक पर रखते हुए उत्तर प्रदेश में नियुक्ति की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है और इसे 2004 के नियम अनुसार सही ठहरा दिया गया है। बीते 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन नियुक्तियां करने पर रोक लगा दी थी। बुधवार को पीठ ने आयोग को नियुक्तियों के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार को जल्द सभी को नियुक्त करने का आदेश दिया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।